हमारी सेटी है, आप देख रहे हो उसकी कितनी बुरी कंडीशन है, मतलब बहुत एकदम डल सी, बहुत गंदी गंदी सी हो रखी है। मैं पास से दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा बुरी हालत है इसकी। तो अब हम इसको रेनोवेट करने वाले हैं, इसको पेंट करने वाले हैं, इसका नया लुक लेकर आने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसा लगता है। आप भी हमारे साथ देखिए कैसा लगता है। अभी हम बेस को रेगमा करेंगे सैंड पेपर से, ताकि इसके अंदर प्रॉपर स्मूथनेस आ जाए, जितनी भी रफनेस है इसकी ख़त्म हो जाए। और ये नॉर्मल रेगमार्क है। देन अब हम कोट कर रहे हैं चॉक पेंट का हमारी पूरी वुडन बेस के ऊपर। आप कोई भी पेंट ले सकते हैं, एक्रेलिक पेंट या नॉर्मल कोई भी पेंट, बट वी प्रेफर चॉक पेंट इज़ द बेस्टेस्ट वन, इट इज़ रियली गुड इन क्वालिटी, जिससे हमारी इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अभी हम लोग को पूरा का पूरा जो है अभी हम एक ही कोट से कवर करेंगे। थोड़ा सा सूखने के बाद हम लोग दूसरा कोट करेंगे, बट इसमें ये ध्यान रखना है कि अंदर तक पूरा प्रॉपर फिनिशिंग से ही अंदर तक काम करना है, जितनी भी कटिंग्स हैं हर जगह ये वाला कलर करना है। हम जो भी कलर कॉम्बिनेशन पिक कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, आपको जो अच्छा लगता है वो पिक कर सकते हैं, बट वी आर गोइंग विद द डार्क वन। हम लोग कुशन्स पे जो अभी इसकी जैसे गद्दियाँ थी और साथ में बैक कुशन है, उसके ऊपर हम लोग चॉक पेंट नहीं करेंगे। पहले हम लोग उनके ऊपर पहले जेसो अप्लाई करेंगे, ताकि वो वाटरप्रूफ बन जाए और उसका जो बेस है वो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग कुशन के ऊपर जैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग पहले जैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और पेंट यूज़ करेंगे उसके ऊपर, ताकि हमारा बेस और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और साथ में हमारे चॉक पेंट का जो है हमारे बेस के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि आप देख रहे हो ये कपड़ा है, तो कपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख करता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है कलर करने में। जैसे पार्ट फिनिश हो गया है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, कि हम लोग दो कलर ले रहे हैं, दो कलर से हम लोग मर्जिंग कर रहे हैं, कि लाइट ग्रीन और थोड़ा सा डार्क ग्रीन, जिससे कि हमारी थोड़ी सी शेडिंग हो जाए हमारे बेस के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कितनी अच्छी तरीके से कलर मर्जिंग कर रहे हैं। ऐसा ही हमें पूरे दोनों सीड्स पे और दोनों बैक पे हमें ऐसा ही कवर करना है। और मर्जिंग के टाइम पर ये ध्यान रखना है कि हमारे पैचेस ना आए, दोनों कलर बहुत अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएं।
फिनिश हो चुका है। मैंने आपको जैसे मर्जिंग कर बताया था, तो ऑल्दो ये चीजें टाइम लेती हैं, और हम लोगों ने जैसे कि फैब्रिक पे किया है, तो फैब्रिक जो है वो कलर और सब ना सख्त करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है और टाइम भी लगता है उसके ऊपर ना प्रॉपर से कवर करने में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें शेडिंग वगैरह करेंगे। तो कलर आप देख रहे हो, वीडियो में देख सकते हो, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन आया है। लिटरली आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ कुछ क्रिएटिविटी कर देखते हैं। पहले हम लोगों ने प्लान नहीं कर रखा था, तो देखते हैं कुछ करके। अभी ना मैंने बीच में स्टेंसिल रखा है, अभी थोड़ा सा हमारा ग्रीन वाला पेंट जो है वो थोड़ा गीला गीला सा है, हल्का हल्का। तो अभी ना हम क्या करते हैं, जैसे एक वाला कुछ क्रीमिश सा पेंट है हमने लिया है, वाइट क्रीमिश सा। तो हमें क्या करना है, पॉन्ड ब्रश लिया, और ये मैंने स्टेंसिल रखी हुई है, दिस इज द रिवर्सिबल स्टेंसिल। बहुत हल्के हल्के हाथ से हमें शेडिंग देनी है इसमें। इस वाले स्टेंसिल से क्या होगा कि जो हमारा इसका डिजाइन है वो आ जाएगा हमारा नीचे, और बाकी सारा जितना भी रेस्ट पोर्शन है वो सब वाइट कलर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि ज्यादा कलर नहीं लिया हुआ स्पॉन्ज में, वो थोड़ा थोड़ा सा कलर लिया हुआ है, हमें शेडिंग ही चाहिए। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो शेयर चैनल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं हम आगे। ये जो छोटे छोटे टेक्सचर्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैं मोस्टली वीडियोस में बोलूंगी ये चीज, दिस इज माय पेट वन, कि जो छोटे छोटे इफेक्ट होते हैं, छोटी छोटी सी क्रिएटिविटी होती है, वो हमारे पिक्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, हमारे तो बनाती है। पर्सनली आई रियलाइज दिस। प्लीज आपकी वीडियोस या आपकी फोटोज प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना, या फिर पर्सनल आईडी पर भी हमें शेयर करना। सो फाइनली आप देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट आया है, जैसे हमारे स्पॉन्ज में है, तो इनके हम लोग बॉर्डर्स थोड़े थोड़े ऐसा। डेबर थोड़ा सा मोटा है, तो छोटा डेबर होता है, आप सेंसिल ब्रश भी यूज कर सकते हैं। अपना फ्लैट ब्रश लिया है, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा वाइट कलर लिया है, ताकि हमारी जो ड्राई ब्रशिंग हम लोग करें
उसे हमारे कटिंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हाईलाइट हो जाए। आप कोई भी सेंसिल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह, जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग कैसे किस तरीके से कटिंग्स को हाईलाइट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे देख भी रहो आज कुछ पहन रखा है कुछ पहन रखा है, तो ये दिनों के हिसाब से है, जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं अगर आपको अच्छे से काम करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा ये वाइट वाला पेंट किया है, तो हम बहुत ऐसे हल्की हल्की हाथ से ड्राई ब्रशिंग करेंगे इसके ऊपर भी। अब ये देखिए जो इसके नीचे ना फ्लावर का डिज़ाइन था वो थोड़ा सा उभर कर आएगा। कि हम इसको ऐसे भी रखते हैं, इस तरीके से करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसके पास सेंसिल करना चाहते हैं, कुछ और डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई और कलर कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं, वो भी अच्छा है। बट मुझे खाली ये सिंपल सा पसंद है, और मैं इसके सेंटर में कुछ फ्लावर्स वगैरह आगे डेकोर जो भी करेंगे उस तरीके से मैं इसको करना पसंद करूँगी। बट मुझे ये वाला कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। तो एक बार हम आगे का भी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको फाइनल टच दिखाती हूँ कि ये हमारी कैसे बनके रेडी होती है। और इसमें फाइनली हम लोग वार्निश से इसको फिनिश करेंगे। एटलीस्ट हम लोगों को दो कोट तो कम से कम करनी ही चाहिए वार्निश की, ताकि इसके अंदर बहुत फिनिशिंग आ जाए, शाइनिंग आ जाए, और वो काइंड ऑफ थोड़ा सा वाटरप्रूफ बन जाए। सो अब आगे का प्रोसेस मैं आपको एक बार कंप्लीट करके उसके बाद सारा ओवरव्यू दिखाती हूँ। गाइज अगर आप देख पा रहे हो तो हम लोगों ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है, ये इसका फाइनल आउटकम है। तो हमने क्या किया है, जैसे कि वाइट ड्राई ब्रशिंग बताई थी हमने आपको इसके ऊपर, वैसा करा है। आप देख रहे हो इसमें फ्लावर्स थोड़े से हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। और ना साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा येल्लो कलर दिया है इसके बॉर्डर्स को हाईलाइट करने के लिए। इफ़ यू कैन सी, ऐसे ही ड्राई ब्रशिंग करके हम लोगों ने थोड़ा सा येल्लो कलर और इसके अंदर ऐड किया है। नाउ दिस इज़ द फाइनल वन, और अगर आप देख सकते हो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी हम लोग एक वीडियो भी डालने वाले हैं जिसके अंदर ये सारा हमारा जो है वो बालकनी डेकोर के अंदर यूज़ होगी ये वाली सेटिंग ना, तो इसको हम लोग कैसे डेकोर करेंगे, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर हमारा बालकनी डेकोर का भी देख सकते हैं।